आ गई है, तो ये कठिनाई हम बड़े आराम से इसको इसको झेल सकते हैं। लेकिन एक दुख है मुझे, और मैं आप लोगों के साथ अपना दुख साझा करना चाहता हूँ। हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे रविवार को शाम को 5 बजे अपने अपने घरों की खिड़कियों पे आके, दरवाजे पे आके, बाहर निकल के ताली बजाई थी, घंटियां बजाई थी। किस लिए बजाई थी? हमने इसलिए बजाई थी कि हम अपने सभी डॉक्टर्स के शुक्रगुजार हैं, हम अपने सभी नर्सेज के शुक्रगुजार हैं, हम अपने उन सारे पायलट्स के, एयर होस्टेसेस के शुक्रगुजार हैं जो इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर उन देशों से हमारे भारत के लोगों को लेके आए जहाँ पे बीमारी बहुत फैली हुई थी। उन्होंने, इन सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, कंपाउंडर्स ने, पायलट्स ने, एयर होस्टेस ने अपनी जान दांव पे लगाई। हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। उन लोगों के लिए हमने ताली बजाई, उन लोगों के लिए हमने ताली बजाई, घंटी बजाई। लेकिन अब मेरे को कहीं कहीं से ये सुनने को मिल रहा है कि फलाने फलाने मकान मालिक ने अपने किराएदार, उसको, नर्स को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो कहता है ये नर्स तो सारा दिन कोरोना के मरीजों में घूमती है, इसको मैं नहीं रखूंगा। कहीं पे पता चला कि एयर होस्टेस को कॉलोनी में नहीं घुसने दे रहे, कहीं पे पता चला कि पायलट को कॉलोनी में नहीं घुसने दे रहे। ये तो सही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। ये लोग आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं, और हम इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कल को अगर आपके परिवार में किसी को अगर कोरोना हो गया, तो फिर आप किसके पास जाओगे? आप इन्हीं डॉक्टर्स के पास तो जाओगे, आप इन्हीं नर्सेस के पास तो जाओगे जिनको हम आज इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें ये बिल्कुल मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी। अगर किसी को इनमें से कोरोना होता है तो इनका भी इलाज करवाएंगे ना। किसी पायलट को होगा उनका भी इलाज कराएंगे, किसी एयर होस्टेस को होगा उनका भी इलाज कराएंगे, अपने लोग हैं। अगर किसी डॉक्टर को होगा उसका भी इलाज कराएंगे, लेकिन अभी उनको नहीं है। तो इस तरह से भेदभाव करना और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना सही नहीं है। उनके लिए तो तालियां बजानी चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये कसम खाओ कि अब इनके साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं करोगे, अब इनके साथ इस तरह का बिल्कुल व्यवहार नहीं करोगे।